अभी मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन फिर भी मैं तो पढ़ूंगा। पूरी दुनिया मुझे रोक रही है पढ़ने से, लेकिन फिर भी मैं तो पढ़ूंगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब मिलकर डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं तो पढ़ूंगा। जो धोखा देकर चली गई थी ना, वो वापिस आई है, लेकिन मैं उसको भाव नहीं दूंगा, मैं तो पढ़ूंगा। मुझसे जलने वाले मेरा टाइम वेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी इस कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं तो पढ़ूंगा। मैं पूरी दुनिया से बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे जितने जतन कर लो, मुझे तुम रोक नहीं पाओगे। मेरे अंदर अब पढ़ने की आग जल चुकी है, इसे तुम बुझा नहीं पाओगे, मैं तो पढ़ूंगा। ये एग्जाम मेरे लिए एक युद्ध की तरह है, जो हर हाल में मुझे ही जीतना है। अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है। ये बात तो मुझे भी अंदर तक पता है कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से अपना 100% देकर पढ़ता हूँ, तो मुझे रिटर्न में भी 100% ही मिलेगा। और अगर अभी मैंने अपना 100% देना सीख लिया ना, तो मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा वो भी पूरे दिल से करूँगा, और उसमें भी अपनी जान लगा दूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊँगा। मुझे पता है मुझ में सुपर पावर्स हैं, जो मुझे स्पेशल बनाती है बाकी सबसे। फर्क बस इतना है कि मैंने अपनी पावर्स को डिस्कवर कर लिया है, पहचान लिया है, और बाकी पूरी दुनिया अभी अंधेरे में है। पूरी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, फिर भी इस पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, इतना विश्वास है मुझ में। और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो कि नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर आया है। तो फिर क्या औकात रह जाती है एग्जाम्स की मेरे सामने? लाइफ में एग्जाम्स तो आते रहेंगे, तो क्या मैं हर बार इसी तरह डरता रहूंगा? अरे नहीं यार, हंसकर, खुश होकर, मजे से एग्जाम लेकर आऊंगा और रिजल्ट में सबसे आगे निकल कर दिखाऊंगा, देख लेना। ये एग्जाम का महीना कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मुझे अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है और सबको दिखाना है कि चाहे पबजी में चिकन डिनर हो या ना हो, लेकिन रियल लाइफ में तो चिकन डिनर मैं ही करूंगा, बिकॉज आई विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग।